वेलकम आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। आज ये Samsung का होम थिएटर है, ये डीवीडी भी है इसके अंदर। इसकी सप्लाई खराब है, आज मैं इसे रिपेयर करके दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर 5-24 वोल्ट की सप्लाई लगाएंगे ये वाली, और इसे अभी रेडी करेंगे सेट को। आपका ज्यादा समय ना बर्बाद हो उसके लिए हमने इसका कवर खोल रखा है। ढक्कन निकाल के इधर फेंका साइड में, और सप्लाई की पेंच मैंने निकाल रखी है। ज्यादा समय ना बर्बाद हो आपको, ये निकाल रखी है। माउसपैड भी खोल रखा है ताकि समय बर्बाद ना हो। और आप देखें हमारे इस वीडियो को, मैं किस तरह इसको ऑन करता हूँ 5-24 वोल्ट लगा के। ये 5-24 वोल्ट, ये रेड और ब्लैक तार है, ये माउसपैड पे लगेगा। और ये जो है ब्लू और येलो, ये ऑटो कैपलर पे लगेगी। ये ऑटो कैपलर मैंने निकाल रखा है, और ये माउसपैड भी खोल रखा है। फोकस नहीं हो पा रहा है, ये देखो, फोकस करो आप। मैं माउसपैड पे मैं ये वाली रेड और ब्लैक तार लगाता हूँ। रेड और ब्लैक लगा के दिखाता हूँ आपको। रेड वाली बीच में लगाएंगे, यहाँ 3 होल है, देख रहे हैं आप, 3 होल है। बीच वाले पे हम ये रेड वायर को लगाएंगे। हम देखते रहिए दोस्तों, ये रेड वायर हमने लगा दिया, बची ब्लैक वायर। ब्लैक वायर इस साइड लगाएंगे, पेस्ट लगा लेते हैं, सोल्डिंग बढ़िया होगा। बढ़िया से शॉर्टिंग ना हो, चिमटा से थोड़ा खरोच लेंगे, शोल्डर वगैरह रह जाए। शॉर्टिंग पे हमें ध्यान देना है। अब आ जाते हैं ऑटो कैपलर की सप्लाई पे। तो ऑटो कैपलर पे ये जो कट का निशान देख रहे हैं, ये कट के निशान पे ब्लू वाली तार है, तो इसके कट के निशान पे यहाँ ये जो ऑटो कैपलर है, इसके कट के निशान पे हम यह लगा देंगे। ये गोल निशान भी दे रखा है इस पे, इसमें इधर डाल देंगे इसको। साफ सफाई करनी पड़ती है हर एक चीज में। और येलो तार उसके बराबर में लगा देंगे। ये हमने कनेक्शन कर दिया है, दिखाओ जरा आप इन्हें, ऑटो कैपलर के भी और माउसपैड का भी। ओके, अब इसमें हम सप्लाई देते हैं, पहले से फिटिंग कर लेते हैं। 100% ऑन होना चाहिए इसको, नहीं ऑन हुआ तो आगे देखेंगे। ये मैंने कनेक्ट, ये हीट सिंक ज्यादा लंबे समय तक चले, ये ऑटो कैप सॉरी एसटीआर, इसलिए हमें इस पे हीट सिंक लगा देंगे। इसी हीट सिंक पे इसको कस देंगे, इसको बढ़िया से फिट कर देंगे ताकि तार वगैरह हमारा शॉर्ट आउट ना हो। उसके बाद हम देखते हैं हमारा डीवीडी हमारा ऑन होता है या नहीं होता है। ये हमने कस दिया, अब इसमें समय आया, लाइन देने की टाइम आ गया, सप्लाई देते हैं। इसके अंदर मीटर को 200 के रेंज पे रख लेते हैं, और एक वायर को ग्राउंड कर लेते हैं, ग्राउंड कहीं भी कर लेते हैं। तो बॉडी पे दे दिया हमने, यही ले लेंगे। अब हम इसमें सप्लाई देते हैं, हमारा काम सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ देखते हैं। तार खोलो, ये हम तार जोड़ रहे हैं, इसे हम तटर गए। ये देखो, ये सप्लाई हमारी बनी कि नहीं बनी। अच्छा, अभी स्टैंड बाई होगी तभी इसकी सप्लाई आएगी। ये देखो सर, ऑन हो गया, हेलो लिख के आ गया ना, वेट करने का चालू हो गया। यानी हमारे यहाँ 5-24 वोल्ट की सप्लाई बहुत बढ़िया काम कर गया। बीटी ऑन यानी ब्लूटूथ पे है ये, यहाँ से मोड चेंज होता है इसका, डीवीडी पे है।
ओपन ओपन नहीं होगा, ये खराब है, इस पे आ जाओ, बैटरी खराब है इसकी, ऑफ कर दिया हमने। अब ऑन करते हैं, हेलो आ गया, फैन भी चालू हो गए, देखो बोल्ट देखते हैं हमारी बनी कि नहीं बनी, बन गई वहां, देखो मीटर पे दिखाओ, 5 वोल्ट आई, आ गई ना, सारी सप्लाई बन गई हमारी, देखो 12 वोल्ट 11 वोल्ट के करीब आ रही है। नहीं, हमारा ये ऑन हो गया, सिस्टम हमारा चालू हो गया, जो कि काफी दिनों से बंद था। 5T 24 वोल्ट का ट्रिक हमने लगाया और ये सेट हमारा ऑन हो गया, देख सकते हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो हम अपलोड करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।